राज्य में तीसरे और आखिरी चरण के चुनाव संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस नेताओं के चुनावी अभियान पर निशाना साधा है। सीएम ने कांग्रेस नेताओं को झूठ और बदजुबानी के आधार पर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया है। सीएम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि जहां भाजपा का पूरा चुनाव अभियान विकसित भारत के विजन को लेकर था, वहीं मुद्दा विहीन कांग्रेस विशेषकर भूपेश बघेल, चरणदास महंत जैसे नेताओं ने सिर्फ झूठ और बदजुबानी को ही अपना ध्येय बना लिया है। सीएम साय ने कहा कि इन लोगों ने संविधान और आरक्षण पर लगातार भ्रम फैलाने की कोशिश की, लगातार फर्जी वीडियो वायरल किया, यहां तक कि मोदी की गारंटी के तहत हमारी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बंद होने की झूठी अफवाह भी यही फैलाते रहे।